हे गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ही पसंद आएगा वो लैपटॉप, 100% मैं श्योर हूँ। तो आज उसके अनबॉक्सिंग करेंगे। उसी के साथ मैंने पिछले ब्लॉग में OnePlus TV का वीडियो का फुटेज नहीं दिखाया था, आज मैं वो फुटेज भी दिखा दूंगा। अब फिलहाल तो करते हैं मेरे फ्रेंड की लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। और ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, 1 से लेके 7 तक हम साथ में पढ़े, और उसने लाया ये बॉक्स एक कोरियर की तरह, इतना बड़ा। जैसे हमारे मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहता है, उसी की तरह इसमें कुछ इस तरह से एक फीचर दिया गया है। अगर आप टीवी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो है इससे इस मोड में चला जाएगा और आपको टाइम दिखाया देगा। ऐसे करते हैं आप अनबॉक्सिंग, देखेंगे कैसा है ये लैपटॉप। सुबह के 9 बजे से पहले ये बॉक्स कुरियर बॉय ने मेरे फ्रेंड को डिलीवर किया है। अब बज रहे हैं 8:55। आप सोच सकते हैं वो बॉक्स कितने जल्दी डिलीवर किया है मेरे फ्रेंड को फ्लिपकार्ट ने। तो करेंगे इसके अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसके अंदर कौन सा लैपटॉप है और कैसा है। और ये है मैकबुक एयर, एप्पल का प्रोडक्ट। और ये पुराना मॉडल है, पर मॉडल पुराना है पर इसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा है। इसका इंटरनल वो सब कुछ मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता दूंगा। फिर भी यहाँ पर दिखा दिया है कि 128 GB इंटरनल है और इंटेल i5 प्रोसेसर है ये। स्टार्ट। देख सकते हैं यार, लोगो है ये, लोग ग्लो होता है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। और मुझे काफ़ी कूल लगता है ये जब ये ग्लो होता है। कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग दी गई है। और ये है इसके अंदर एक्सेसरीज, ये है पावर अडेप्टर, ये है चार्जिंग केबल, और कुछ इस टाइप की है। मैं इसके भी आपको एक बताऊंगा फीचर, काफ़ी अच्छा है थोड़ी देर के बाद। और ये है इसका अडेप्टर, जो कि ये जो है यहाँ पर कनेक्टर होता है, मैं थोड़ी देर बताऊँगा इसका एक यूज़ क्या है। और यहाँ पर मैनुअल है, और इसके अंदर एप्पल स्टिकर भी होते हैं। हमारा जो मेन कंटेंट है जो कि मैकबुक एयर, मैं लाइट वेट तो ना कहूँगा पर इसका जो फील है ना, एप्पल के हर मैकबुक का एक अलग ही फील होता है। जब तक आप उसके हाथ में नहीं लेंगे ना, तब तक उसका फील आपको समझ में नहीं आएगा। एकदम स्टडी रहता है, एकदम स्ट्रांग फीलिंग आती है आपको। कुछ इस तरह से है, उसके ऊपर कवर है, वो भी निकालेंगे कवर। ये जो आवाज़, ये जो इसकी एप्पल के हर प्रोडक्ट में जो आवाज़ रहती है ना अनबॉक्सिंग की, इसका फील अलग ही रहता है, यूनिक सा। इतना स्लिम आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये देखिए, ये मेरी उंगली है, इतना स्लिम है ये, मेरी उंगली से भी ज़्यादा स्लिम है। और यहाँ पर आते तो मेरे नाखून की इतना दिख रहा है मुझे, तो देख सकते इतना स्लिम है ये। करेंगे आप इसे ओपन, इसका भी जो कवर है हम निकाल देंगे। ये है मैकबुक एयर ओल्ड जनरेशन। टर्न ऑन करूँगा। तो करेंगे इसे टर्न ऑन। जैसे ही लोडिंग हो गया ना, तब हमें ये पैनल आया इस तरह से, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहा है। अब यहाँ से तो टिपिकल हर मैकबुक में जो होता है वही है, तो हम ये सब सारा सेटअप कर देंगे। तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, और मेरा जो फ्रेंड है वो भी एप्पल का मोबाइल ही यूज़ करता है। तो इकोसिस्टम बनाने के लिए हमने जो है सेम आईडी से दोनों में लॉगिन किया है। और जैसे ही हमने इसे पूरा पूरा बूट कर दिया, यहाँ पर जो अपडेट आ चुका है जो कि बिग सर का जो नया लेटेस्ट 2020 का जो एप्पल का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है OS, उसका जो डाउनलोडिंग है स्टार्ट हो चुका है। मैक बिग सर जो कि है 12.80 MB, अब वो हो रहा है डाउनलोड। अब इसे लगेंगे मे बी 1 आवर से लेके 2 आवर। तो फाइनली हो गया ये पूरा अपडेट। कुछ इस तरह से है इसका फ्रंट पेज, वॉलपेपर, कुछ ये बोल सकते हैं। तो बेसिक सेटिंग्स है सब कर ली है मैंने। अब मेरा फ्रेंड डायरेक्ट इसे यूज़ कर सकता है। और इसके बाजू में मेरा 16 इंच का मैकबुक प्रो है, और ये मैकबुक एयर। आप देख सकते हैं डिफरेंस है डिस्प्ले में। ये डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट और एक्यूरेट है, ये थोड़ा सा वॉश आउट है। जैसे मैंने अभी कहा था, इस जो चार्जर में है ना, एक कूल फीचर है जो कि मैं बताऊंगा, जो कि है
इस तरह से चार्जर दिया गया है, ये है अडेप्टर और ये केबल, और ये केबल के साथ यहाँ पर है एक जॉइंट, देख सकते हैं आप ये जॉइंट है। और अगर आप चाहे इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं इसी के साथ, इसी बॉक्स में ही दिया गया है केबल, ये यहाँ पर लगा के आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो है ये अडेप्टर लगता है, सेम इसी की तरह ये वायर वाला, ये जो बड़ा वायर है एक्सटेंड करने के लिए, ये अडेप्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते लगा के, और आप अपनी जो आप जो अपनी वायर की लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यह छोटा वाला है, इससे आप छोटा करके कहाँ पर भी आप बैग में कैरी कर सकते हैं एकदम नॉर्मली। परपेंडिकुलर देखते हैं तो आपको अच्छा दिखाई देगा, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो कम है, रेजोल्यूशन फुल एचडी भी नहीं है, उससे भी कम है, 720p क्या तो है यार, एक बात आप याद रखिए। और मुझे इसका कूल फीचर लगा जो कि पहले एप्पल के प्रोडक्ट में आता, देखो ये ग्लो होता है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे पसंद काफ़ी पसंद है ये ग्लो होना। अब मेरे मैक में तो नहीं है, मतलब जो भी नए मैक है उसमें नहीं है ये फीचर, इस तरह से था उसका एक्सपीरियंस। और कीबोर्ड भी अच्छा है, चिकलेट टाइप में है, आराम से प्रेस होता है और आवाज़ भी आती है, और साउंड साउंड क्वालिटी भी डिसेंट है, मतलब क्वालिटी अच्छी है, पर उतनी हीवी नहीं है, बेस भी नहीं उतना, ये प्राइस रेंज में तो आपको उतना ही मिलेगा। और इसकी जो प्राइस है मेरे फ्रेंड को के लिए 60,000 रुपीज़, उसने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है अभी पिछले सेल में, कुछ इस तरह से था ये मेरा एक्सपीरियंस मैकबुक एयर से, अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, मतलब फुली रिकमेंड कर सकता हूँ, आप तो आप ही ले सकते हैं, उतना अच्छा है, उतना पसंद आया मुझे। हाँ, पर एक कंडीशन है, अगर आपको गेम नहीं खेलना है तो ही लीजिए, अगर आप गेम खेलते हैं तो मत लीजिए। वीडियो एडिटिंग भी करते हैं तो इसके ऊपर ठीक ठाक हो जाती है वीडियो एडिटिंग, पर हाई लेवल की एडिटिंग नहीं कर सकते आप, बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। इतना ही मुझे बताना था इस मैकबुक एयर के बारे में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसे कम से कम 1 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ, खाली 6% बैटरी उतरी है, देख सकते कितना अच्छा है इसका बैटरी बैकअप। मैं आपको दिखाऊंगा इस टीवी की डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है, और आपको कैसे दिखेंगे इसके ऊपर कलर्स जब आप इसके ऊपर 4K वीडियो प्ले करते हैं। ये है वन प्लस टीवी की डिस्प्ले क्वालिटी, कुछ इस तरह से है। अब प्रेजेंट मैंने इसमें यूट्यूब ओपन किया है जो कि इसका इनबिल्ट है। अब इसके अंदर मैं आपको ये 4K वाला क्लिप दिखाऊंगा, कुछ इस तरह से इसकी क्लियरिटी है, और कलर जो है काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी अच्छा है, ओवर सैचुरेटेड भी नहीं है, वॉश आउट भी नहीं है, एकदम अच्छे है। थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा क्योंकि मैं मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिखने में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, कुछ इस तरह से है ये। मैं ज़्यादा प्ले नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है इसकी वजह से, वैसे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये टीवी कैसी है।